हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और हम लोगों ने जो पढ़ना चालू किया था वो था सरफेस टेंशन, जिसका हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 कवर किया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी द्रव के बूंद के भीतर आधिक्य दाब क्या होगा, जिसे आपने बताया था कि 2T/R आएगा। और इसी प्रकार आपने ये देखा था कि अगर द्रव की बूंद ना होकर अगर हम ले लेते हैं किसी साबुन के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब, तो वो 4T/R आया था। और इसी प्रकार अगर हम देखना चाहें किसी द्रव के बुलबुले के भीतर, तो वो भी 4T/R आएगा। वायु के बुलबुले के भीतर आएगा 2T/R। हमने पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप ले लिया। चलिए हम समझते हैं, दरअसल एक समस्या है। किसी ने ये शिकायत की थी कि सर आवाज आपकी बड़ी गूंजती है, तो अगर किसी हॉल में वीडियो बनाया जाता है तो ये समस्या आती है, और ये सेक्टर है तो दिक्कत तो होगी ही। थोड़ा एडजस्ट करिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ईयरफोन लगाइए। बाकी हम प्रयास करेंगे कि ये समस्या आपकी दूर हो जाए, क्योंकि ये कई बार हमको लोगों ने कहा है। प्रयास करेंगे, पर अभी जैसा है काम चलाइए, है ना, फिर इसका समाधान हम जरूर ढूंढेंगे आपके लिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ऊपर हेडिंग देख के आप समझ गए होंगे कि हमें आज ये समझना है कि किसी भी अगर नली में जो द्रव होगा उसका जो मुक्त पृष्ठ होगा उसकी आकृति क्या होगी। तो किसी भी नली के ऊपर जो मुक्त पृष्ठ पाया जाएगा उसकी आकृति क्या होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं नवचंद्रक। तो नवचंद्रक की आकृति क्या होगी उसे हमें समझना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा रफली एक मोटा माटी आइडिया ले लेते हैं कि हम बताना क्या चाहते हैं आपको। देखिएगा, हमारे पास यहां पर है क्या, हमने एक नली बना ली, ठीक है। तो हमने एक कोई भी एक नली ले लिया, हम बस एक मैकेनिज्म जानना चाहते थे कि द्रव में आखिर क्या हो सकता है। देखिए, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स जो होता है, विज्ञान जो होता है, वो फीलिंग्स का विषय है। चीजों को देख के समझ के, एकदम प्रैक्टिकली समझ के तभी हम समझते हैं किस चीज को, तभी मानते हैं कि ऐसा होता है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको ऐसा कोई बात नहीं होगा जो समझ में ना आए। तो प्रयास पहले ये किया करें कि पढ़ने से पहले एकदम रिलैक्स हो जाए, आराम से समझे चीजों को, है ना, और हम भी रिलैक्स हो जाए थोड़ा, क्योंकि अपने आप को भी हैबिट में लाना है ना। तो इसीलिए अब देखिएगा, हमने क्या बताया, हमने बताया कि अगर हमने एक नली ले लिया और इस नली में हमने कोई एक द्रव ले लिया, कोई भी द्रव ले लिया, कोई भी लिक्विड रहा होगा। अब इसमें जो ये द्रव है, इसकी सतह कैसी होगी, ये जो ऊपर वाली सतह है ये कोई शेप ले लेती है। अगर आप ध्यान दिए हो तो कई बार इसका शेप ऐसे हो जाता है, यानी अवतल के आकार का। कई बार ये ऊपर का पृष्ठ उत्तल वाला शेप ले लेता है, और कई बार ये समतलाकार शेप ले लेता है। हम समझे कि कौन सा शेप ले लेगा, उससे पहले हम ये देखेंगे इसमें होगा क्या, कितने प्रकार के बल कार्य करेंगे, है ना, क्या क्या इसमें घटनाएं घटेंगी। तो हमने सबसे पहला काम ये देखा कि यहां पर जो इसका मुक्त पृष्ठ है, यहां पर कोई एक अणु रहा होगा, इस अणु के साथ क्या क्या घटना घटी होगी, आखिर क्या हादसा हो गया। पहले हादसा देखते हैं, इसके साथ क्या होगा। जो द्रव का ये मॉलिक्यूल्स होगा, इस पूरे इस मॉलिक्यूल को जितने भी यहां द्रव के अणु हैं वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजक बल कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो सरफेस टेंशन लेक्चर नंबर 1 आप समझेंगे आ जाएगा। तो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, यानी इतनी वक्त इस पर यहां के जो अणु होंगे, ढेर सारे छोटे छोटे अणु खरगोड़ होंगे, वो सब के सब बुला रहेगा, जब उधर जब कतर बल लग रहा होगा, ऐसे इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, चारों लग रहा होगा। यानी इस अणु को ऐसे इधर जहां मैंने मार्कर चलाया है ग्रीन वाला, सब की तरफ इस पे आकर्षण बल लगाया जा रहा है, इन अणु के द्वारा ढेर सारा बल लग रहा है। तो अगर किसी एक अणु पर कई सारे बल कार्य करने लगते हैं, एक बल उधर, एक बल इधर, एक बल उधर, है ना, तो उसका रिजल्टेंट आता है, परिणामी आता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैकेनिक्स का शुरुआती पार्ट अभी हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम इसमें दावे से नहीं कह सकते कि मैं आपको बताया हूं। तो जैसे अगर आप गांव में देखे होंगे, मान लीजिए किसी को पेड़ गिराना है, एक बड़ा सा पेड़ गिराना है, अगल बगल कोई घर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले नीचे इसके जड़ के पास से काट देते हैं, आधा से ज्यादा काट देंगे, और काटने के बाद क्या करते हैं, ऊपर पहले से रस्सी बांधे होते हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, रस्सी से पकड़ के खींच लेंगे और पेड़ ऊपर गिरेगा और मर जाएंगे। ये करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको नीचे से पेड़ काट लेंगे, बड़ी रस्सी लाएंगे, बीच में लपेट लेंगे, और कुछ आदमी को उधर भेज देंगे और कुछ आदमी को उधर भेज देंगे, यानी एक पार्टी उधर गई, एक पार्टी उधर गई, वो दोनों अपनी अपनी ओर खींचेंगे और पेड़ कहां से गिरेगा, बीच से। तो एक बल उधर लगा, एक बल उधर लगा, और परिणामी कहां से चला गया, बीच से। तो जब कई सारे बल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कार्य करते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है। जैसे यहां पर एक बल इधर लगा,
एक बल इधर लगा, इसने कहा चल भाई इधर, इसने कहा चल भाई उधर, तो इसका परिणाम जाएगा बीच से, यानी इसका जो रिजल्टेंट गया वो बीच से गया। तो हमने क्या बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और समझ लीजिए, लगे हाथ यहां पे, अब अगर ये वाला बल ज्यादा होगा और ये वाला बल कम होगा तो जो ये रिजल्टेंट है ना वो इसकी ओर शिफ्ट हो जाता। जाहिर सी बात है, अगर मैं इस दीवार पे उधर लगाता 10 न्यूटन का बल, उधर से कोई लगाता 2 न्यूटन का बल, तो परिणामी मेरा वाला होता 8 उधर, तो परिणामी हमेशा ज्यादा वाले की ओर होता है। रिजल्ट अगर दो बल किसी भी कार्य करते हैं, किसी भी काम करने के लिए अगर दो बल दो फोर्स काम करते हैं तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा रिजल्ट वही ले जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो अब आगे समझिएगा, इसमें कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं पर भाई टाइम नहीं बर्बाद करना। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यह समझना था कि इस अणु पे ढेर सारे बल कार्य किए होंगे और इसका जो परिणामी आया वो बीच से गया इस तरफ एफ आर। बस समझ आया? तो जो एफ आर है वो रिजल्टेंट फोर्स है, और किसका रिजल्टेंट फोर्स है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स है ससंजक बल का, ठीक है ना। अगर आप एफ आर नहीं लिख सकते तो मैंने एफ सी लिख दिया, यानी कोहेसिव फोर्स। अब एक बात समझिएगा, ये जो हमारा बर्तन है ये किसी चीज का बड़ा होगा, प्लास्टिक का होगा, लोहे का होगा, किसी भी चीज का बना होगा, और इस बर्तन में अणु होंगे, बर्तन जो बना है ये अणु का ही तो होगा, परमाणु का होगा, तो इसके जो परमाणु है जो इसके अणु है वो जल के अणु को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि एक दो अणु हमेशा एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, अंतरणविक बल कार्य करता है। तो जो इसका अंतरणविक बल कार्य किया होगा यहां पर वो किस तरह कार्य किया होगा, यानी यह एडिशन, और यहां पर कोई बल कार्य कर सकता था, मैंने दो बल के बारे में बता दिया, एक ससंजक बल कार्य किया होगा जो इस जल के अणु को अपनी ओर खींच रहा होगा, और एक कौन सा बल कार्य किया है, असंजक बल। असंजक बल का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, जैसे द्रव और बर्तन के मध्य जो बल लगेगा उसे हम बोलेंगे असंजक बल, और द्रव द्रव के अणु के मध्य जो बल लगेगा, पानी पानी के अणु के मध्य जो लगेगा उसे हम बोलेंगे ससंजक बल। तो यहां असंजक बल इधर कार्य किया, ससंजक बल का परिणाम ही इस तरह कार्य किया। अब एक बात समझिएगा, जो ये एंगल है वो कितना है 45। अभी भी मैंने एक बात आपको समझाई, ढंग समझिएगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये एफ ए कहा इधर चलो और ये सी कहा इधर चलो, ये कहां जाएगा? तो अभी मैंने बताया था परिणामी हमेशा कहां से जाता है, बीच से। तो इसका परिणामी इन दोनों के बीच से जाएगा। अब यहां बीच वाला लफड़ा थोड़ा खतरनाक है, इसे ढंग समझिएगा। कैसे, देखिएगा, जब परिणामी बीच से जाएगा तो जा कहां कहां समझना, ये जा यहां से लिख सकता है ऐसे, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में है ग्रीन वाली, सॉरी ब्लू वाली, और इसी प्रकार इसका जो परिणामी है वो यहां से भी जा सकता है, और जो इसका परिणामी है वो यहां से भी तो जा सकता है, इसका परिणामी कहीं से भी जा सकता है, यानी असंजक बल और ससंजक बल का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस बर्तन से भी जा सकता था, ये द्रव और बर्तन के बीच से भी जा सकता था और द्रव से भी जा सकता था। तो यहां पर कितनी कंडीशन बनी है, तीन कंडीशन। अब तीनों कंडीशन में क्या होगा ढंग से समझिएगा। उससे पहले एक छोटी बात यहां मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर मैं एफ सी को तोड़ना चाहता तो थीटा के साथ वाला कॉस में बाकी वाला साइन, तो थीटा के साथ ये 45 है तो ये किस तरफ आ जाता, एफ सी और कॉस 45, और कॉस 45 का मान 1/√2, जिसे आप लिख सकते थे एफ सी बाई रूट टू, इस तरफ आ रहा है एफ सी बाई रूट टू। मैं ये लगा देता हूं रेड वाला और ये वाला भी, ठीक, ये मैंने तोड़ा है, तो मेरा जो मकसद था बताने को वो पूरा हो गया है ना, कि तीन जगह से परिणाम ही जा सकता है। तो बना लीजिएगा नोट्स में अपने आप, और ये आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये भी होता एफ सी बाई रूट टू। क्यों होता, क्योंकि ये साइन रूट था, साइन 45 का मान 1/√2, हमें यार इसको कहते हैं एफ सी और साइन 45, छोटा अणु है उसका भार इतना कम है, इतना कम है कि उसे हम नेग्लिजिबल मानकर छोड़ देंगे, तो हम इसको छोड़ दिया। अब आगे समझिएगा, तो इसका भार नीचे की ओर कार्य किया, ठीक है ना, और इधर ससंजक बल कार्य किया, इधर असंजक बल कार्य किया, ये ससंजक बल का वर्टिकल कंपोनेंट है और इधर वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अभी बात समझो, अगर जो हमारा कंडीशन नंबर एक में ले, अगर जो एफ ए है अगर ये ज्यादा हो जाए एफ सी बाई रूट टू से,
जो इधर लगने वाला बल है और जो इधर लगने वाला बल है, इधर लगने वाला ज्यादा हो जाए, यानी जो दीवार है, बर्तन की जो दीवार है, वो ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींचना चालू कर दे और द्रव के अणु कम तेजी से अपनी ओर खींचे, तो बताओ जो ये द्रव का मालिकूल होगा वो किसके पास जाना चाहेगा? जो ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका मतलब द्रव का अणु इसमें चढ़ने लगेगा। कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हुई क्लास? क्योंकि अकेले सीरियस पर आ ही जाता है, तो समझिए थोड़ा हम यहाँ पर जो या कॉमेडी या डांस कर नहीं सकते, तो समझिएगा इसका मालिकूल होगा ये, इसको चिपका जाएगा, चिपका जाएगा, चढ़ा जाएगा, चढ़ा जाएगा, यानी ये खूब तेजी खींच रहा है ना, क्योंकि बर्तन के मालिकूल से ज्यादा बल लगा रहा है, असंजक बल यहाँ पर ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये इसके ऊपर चढ़ने लगेगा, तो जैसे ये इस पर चढ़ने लगेगा तो इधर भी चढ़ सकता है, तो यहाँ पर एक कंडीशन बन जाएगी, और जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी समझिएगा, यहाँ पर जो द्रव के अणु हैं वो धीरे धीरे इसकी सतह पर चढ़ने लगेंगे। कब चढ़ने लगेंगे? जब यफ ए ग्रेटर देन था यफ सी बाई रूट टू से, जब इसके ऊपर ये चढ़ने लगेंगे, तो इसका मतलब देखिएगा यहां पर हमारा जो परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो कहां से जाएगा पहले समझिए। तो यहां पर पहली बात एक क्लियर हुई कि जो सतह है ये किस आकार का शेप लिया, इसका जो आकार है यह है अवतल। तो अवतल आकार तब होगा जब असंजक बल ससंजक बल से ज्यादा हो जाएगा, यानी इधर लगने वाला फोर्स जो हमारे पास यफ ए था वो ज्यादा है और एफसी बाई रूट टू कम है, तो अवतल का जो अवतलाकार सतह हुई वो तो होगी ही होगी, और परिणामी इसका कहां से जाएगा? इधर से। अभी मैंने ऐसा बनाया था कि परिणामी कहां से जा सकता है, तो इस स्थिति में जब द्रव इसके ऊपर चढ़ने लगा, मतलब जो द्रव है वो नली को भिगोएगा, तो हमारी एक कंडीशन ये क्लियर हो गई कि कब ये इसको भिगोएगा। दूसरी कंडीशन समझते हैं, और यहां पर क्या हो सकता था? दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि जो एफ ए है, जो एडिसिव फोर्स है, वो कम हो जाए एफ सी बाई रूट टू से। और जब इस स्थिति में हम देखेंगे जब एफ ए कम है और एफ सी बाई रूट टू हमारा ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर देखो ससंजक बल जो है वो ज्यादा हो गया, यानी इसके जो अणु है उसको अपनी ओर खींचना चालू कर देगा तेजी से, और जब ये इसके अणु को खींचेगा खींचेगा, तो इसके अणु, देखिए जो इसके अणु है, नली के जो अणु है, जिस चीज की बनी होगी उसके जो अणु है वो द्रव के अणु को धीमे खींच रहे हैं, और द्रव द्रव के जो अणु है उसको तेजी से खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसकी सतह किस प्रकार बनेगी? वो इस प्रकार बनेगी। और उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि हमारे पास इधर वाला बल ज्यादा हो गया, तो जो हमारा परिणामी एफ आर था तभी मैंने बनाया था, इधर से गया था, तो इसका मतलब यहां परिणामी एफ आर की दिशा इस तरफ हो जाएगी, और जो यहां पर सतह बनेगी वो उत्तल के आकार की बनेगी या अवतल के आकार की? उत्तलाकार। तो यहां पर जो सतह आई वो आई उत्तलाकार, तो उत्तलाकार सतह मिली, और इस स्थिति में जो हमारा द्रव है वो नली को नहीं भिगोएगा, ठीक है ना? तो कब नहीं भिगोएगा? जब ससंजक बल का मान ज्यादा हो गया, असंजक बल का मान कम हो गया, तो भिगोएगा नहीं, और साथ में सतह इसकी उत्तल के आकार की इसलिए हो गई क्योंकि हमारा परिणामी द्रव से जाएगा, और यहां पर जो परिणामी था वो नली से गया था। तो ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है ये समझिएगा, थर्ड कंडीशन हमारी क्या बन सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारे पास असंजक बल है वो एफ सी बाई रूट टू के बराबर हो जाए, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या हो, यहां पर जो द्रव के अणु होंगे देखिए ऐसे हैं, तो इधर लगा था आपका यफ ए, इधर एक एफ सी बाई रूट टू था, और इधर ही इसका रिजल्टेंट जाएगा एफ आर, और ये बराबर है एफ सी बाई रूट टू के। इसका मतलब जो हमारा परिणामी था वो ना गया द्रव से और ना गया नली से, वो इन दोनों के बीच से गया, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसका मतलब जो इसकी सतह होगी वो कैसी होगी? समतलाकार। तो सतह हमें यहां से मिल गई समतलाकार की, ठीक है ना? तो सतह यहां पर समतल के आकार की है। ऐसा कब होगा? जब ससंजक बल और असंजक बल का जो परिणामी है वो नली और द्रव के बीच से जाए। द्रव से गया तो इसका मतलब हो जाएगा उत्तल के आकार का, और अगर ये नली से गया तो हो जाएगा अवतल के आकार का। और यहां एक मजेदार बात और है, और वो क्या समझिएगा, देखिए यहां पर जो सतह है ये अवतल के आकार की हो गई, और हमें ये जानना है कि इसके पृष्ठ के भीतर का दाब कितना होगा।
जैसे अगर यहाँ का जो दाब है हम मान लेते हैं P0 है, यानी वायुमंडलीय दाब है, और यहाँ का जो दाब है ये ऊपर का, ये भी P0 है, और यहाँ भी जो ऊपर का दाब है वो P0 है, और हम जानना चाहते हैं कि ये अंदर वाले जो भाग है इस पे बताइए प्रेशर क्या होगा। तो बस ऐसे समझिए ये दबा हुआ है, इसका मतलब यहाँ का दाब ज्यादा होगा और यहाँ का दाब कम होगा, दबा दिया ना इसे, तो दबा दिया तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा और नीचे का प्रेशर कम होगा। अगर मान लीजिए ये बोल्ट है, इसको मैं दम लगा के दबा दूं, ये उस तरफ दब जाएगा, और दबेगा उस तरफ तब कब, जब हम इधर से ज्यादा दम लगाएंगे तब, यानी हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उधर कम फोर्स मिलेगा तो ये दब जाएगा। अगर उधर से दम कोई लगा दे, ठेस दे दम लगा के, हम दबा दे, देखो दबा दे, दबाना ही आ रहा है इसमें, तो उधर से दबाएगा तो ये इधर उठ जाएगा, तो यहां उठा है मतलब इधर वाला दाब ज्यादा है, इधर वाला कम है, यहां क्या है दबा है, तो ऊपर वाला दाब ज्यादा है और नीचे वाला दाब कम है, और यहां देखो मजेदार बात, यहां समतल है, तो बताइए क्या हुआ होगा, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाला बराबर रहा होगा, तो ये दबा नहीं है, समतल के आकार का आया। अब देखिएगा थोड़ा मामला सीरियस वाला हो गया है, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी हमारी। अब यहां समझिएगा, तो इतना देर मैंने क्या बताया, यहाँ का दाब ज्यादा है और यहाँ का कम है, अभी ये दब गया है, तो ये ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कल मैंने बुलबुले के भीतर वाली कहानी आपको बताई, अगर ये स्पेयर टाइप का बनता, वायर का बुलबुला बनता, तो अंदर वाला 2T/R ज्यादा होता। देखो ऐसे अगर ऐसे मैं बना दिया, बाहर का दाब अगर P0 है तो अंदर P0+2T/R होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर हम कह दें अंदर का दाब P0 है तो बाहर क्या होगा, मैंने उल्टा कर दिया, तो इसका मतलब अंदर वाला बाहर वाले से 2T/R ज्यादा है, इसका मतलब बाहर वाला P0-2T/R है। ध्यान से देखो, ये इसमें ये P0 है और ये कम हो गया है 2T/R, इसका मतलब यही हुआ कि ये इससे 2T/R ज्यादा है। अबे ऐसे समझो यार, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है, मेरे पास 12 रुपए है, अब मैं इसको दो प्रकार से कह सकता हूं कि तुम्हारे पास मुझसे 2 रुपए कम है, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास 2 रुपए ज्यादा। यहां पर देखो, यहां P0 है और यहां पर क्या है P0-2T/R, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर का दाब अंदर के दाब की तुलना में 2T/R कम है, इसका मतलब इसका 2T/R उससे ज्यादा है, तो अंदर अधिक दाब आ गया, कितने का 2T/R, भले ही 2T/R बाहर निकला है पर अंदर का अधिक दाब आएगा 2T/R। अब यहां देखो सेम प्रोसेस, ये किस प्रकार बनता है गुरुकुल, और यहां का P0 है और अंदर वाला ज्यादा होता है, कितना 2T/R, यानी बाहर वाला कम होता है, कितना 2T/R, यानी इसके अंदर का दाब आ जाता है P0-2T/R। तो अगर कहीं भी नवचंद्रक का आकार अवतल का होगा तो हमेशा दाब होगा P0-2T/R, पक्का समझ आया होगा, ना आया होगा दबाइएगा, फिर से हम समझा देंगे। यहां पर देखिएगा, अब इसका गुरुगुरु कैसे बनता, और बाहर का दाब है P0 और अंदर वाला हमेशा अंदर वाला बाहर वाले से 2T/R ज्यादा होगा। एक बात ध्यान देना, यह अंदर वाला मतलब मैं जो गोलू गोलू कह रहा हूं उसके अंदर की बात कर रहा हूं, तो बाहर P0 तो अंदर का P0+2T/R, यहां -2T/R था। ध्यान से देखो यहां क्या होगा, समतल है, इसका मतलब बाहर वाला अंदर वाला बराबर होगा, तो P0 और P0 दोनों बराबर होगा। तो हम लोगों ने आज ये कवर कर लिया कि नवचंद्रक का आकार कैसा होगा और क्यों होगा, संसंजक बल, संसंजक बल क्या होगा, पीछे मैंने पढ़ाया है, दरअसल काफी पुराना वीडियो है वो, तो मुझे इस बात की फील नहीं आ पा रही थी कि मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, इसलिए हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत सारे शब्द बार बार रिपीट हुए हों, क्योंकि टीचर को ना एक बीमारी होती है, उसे लगता है बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ना, वो बार बार पूछता है, वो कहलवाना चाहता है कहो हाँ आ रहा है, और हम कहलवाएंगे आप कह पाएंगे नहीं क्योंकि हम आप दूर दूर हैं, पर कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा, ना आया होगा बताइएगा, दोबारा पढ़ाएंगे आराम से, एक एक टॉपिक एक हेडिंग कवर करेंगे, धीरे धीरे होगा, बाकी कोई भी दिक्कत हो बेशक बताइए बिंदास, अगले दिन से आपको 2 वीडियो मिलेगी, कल आपको 2 क्लास मिलेगी, पॉलिटी की भी मिलेगी, अगर आप तैयारी वारी कर रहे हैं एनडीए वनडीए की, धीरे धीरे से चलते चलते नहाते वहाते लगा कर रख दिया, आराम से सुनते रहिए, बस नाप का बन जाएगा, है ना, बाकी इसको हम डिटेल में खत्म करेंगे, बहुत मस्त एकदम, तो बिंदास एकदम पढ़िए, बाकी मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।